देखिए, मैं एरियल यूनिवर्सिटी में PhD स्टूडेंट हूँ और कैंसर रिसर्च में काम करता हूँ। और वहाँ पर बस ये था कि माहौल भय का तो बना ही हुआ था कि जैसे कोई सायरन बजता था तो हम लोग शेल्टर की तरफ भागते थे। और बाकी तो हमारी साइड में एक ही बार सायरन बजा था बस यूनिवर्सिटी में, और जिसमें हम शेल्टर की तरफ भागे थे। और फिर उसके बाद में मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ भारत सरकार का, जिन्होंने ये अभियान चलाया। और बस ये है कि जैसा कि मतलब हमारे साइड में जो यूनिवर्सिटी थी उसमें इतना भयका माहौल नहीं था, क्योंकि वो गाज़ा पट्टी से काफ़ी दूर है। जहाँ तक कि गाज़ा पट्टी के आसपास के जो क्षेत्र में जो भी यूनिवर्सिटियाँ आती थी, वहाँ के स्टूडेंट काफ़ी सारा भय का अनुभव कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें सायरन भी बार बार सुनने को मिलता होगा। तो ऐसा कुछ होगा क्योंकि ये तो हम वहाँ के न्यूज़ चैनल फॉलो करते थे तो वहाँ से पता लगता था क्या होता है। तो इसी तरीके से, और फिर हमने सोचा कि मेरे पेरेंट्स भी परेशान हो रहे थे, तो हमने सोचा कि हम भारत सरकार से अपील करते हैं। तो मैंने अप्लाई किया एम्बेसी के थ्रू और मेरे को इनविटेशन आ गया जाने का। तो मैंने अपने प्रोफेसर से बात करके और फिर फ्लाइट पकड़ के मैं यहाँ आया। और मेरे साथ में ऑलमोस्ट मतलब अभी मैं संख्याएं तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन अप्रॉक्स 200 तो होंगे अगर इधर मतलब और यूनिवर्सिटी का टोटल क्राइटेरिया मिला दें तो इतना तो होगा। इंडिया से मतलब PhD और पोस्ट डॉक स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, जो कि जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, सब में कोई ना कोई PhD कर रहा है, पोस्ट डॉक कर रहा है, कोई कैंसर में काम कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग में काम कर रहा है, तो बहुत सारे हैं। इसमें ऐसा कोई संख्या तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन बहुत सारे हैं।